हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की इस क्लास के अंदर। और हमने इससे पहले 29 क्लास कवर कर चुके हैं और आज है 30वीं क्लास पे। 30वीं क्लास है हमारे प्यारे साथियों और हमारे चल रहा है प्रेमाश्रय शाखा चल रहा है, ध्यान रखना। और इससे पहले की क्लासे जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखी है तो। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक है। सूफी मत के संप्रदाय, अब हम आगे बात करने वाले हैं सूफी मत के संप्रदाय। इससे पहले तक हमने उन क्लासों में देख लिया है और प्लीज अगर आप पहली इसी क्लास पे हो तो पीछे की क्लासों को जरूर देखते हुए आए तो चीजें आपको कंटिन्यू समझ में आती हुई रहेगी, ठीक है। सूफी मत के संप्रदाय में देखो, आगे जो संप्रदाय है, चार जो संप्रदाय दिखाई दे रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, ठीक है, ध्यान जरूर रखे। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, इन संप्रदाय से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस जगह से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ठीक है। तो सूफी मत के कौन कौन से संप्रदाय हैं बोलो, चिश्ती संप्रदाय है, सुहरावर्दी संप्रदाय है, कादरी संप्रदाय है और नक्शबंदी संप्रदाय है, ठीक है। आगे बात करें तो देखिएगा, भारतीय सूफी मुख्यतः बेशरा संप्रदाय के हैं, किसके बताओ, बेशरा संप्रदाय के हैं। भारतीय सूफी मुख्यतः किसके माने जाते हैं, बेशरा संप्रदाय के माने जाते हैं। बेशरा जो साधक होते हैं वो मलामती कहलाते हैं, बेशरा जो साधक होते हैं वो मलामती कहलाते हैं। सूफी मत के संप्रदाय की बात करें, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, भारतीय सूफी मुख्यतः कौन से संप्रदाय के हैं, बेशरा संप्रदाय के हैं और बेशरा साधक मलामती कहलाते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, सबसे पहले हम जानने वाले हैं चिश्ती संप्रदाय के बारे में, किसके बारे में देखने वाले हैं, चिश्ती संप्रदाय के बारे में देखने वाले हैं प्यारे साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए प्रवर्तक कौन है, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आपको एक तरफ संप्रदाय का नाम, एक तरफ उनके प्रवर्तक का नाम देकर ऐसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से सूफी मत के संप्रदाय से संबंधित कथन नहीं सुमेलित है, सुमेलित है, इस तरह से कुछ भी लिखकर आ सकता है। प्रवर्तक की बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके कौन है बताओ, प्रवर्तक हैं, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये, ठीक है। प्रवर्तन काल की अगर हम बात करें तो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माने जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बात, केवल आप प्रवर्तक का नाम ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है। फिर देखो, सूफी मत का भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय है ये, ठीक है। सूफी मत का भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय कौन सा है बताओ, चिश्ती संप्रदाय है, ठीक है। इस संप्रदाय में कुतुबुद्दीन, उसके बाद काकी, फरुद्दीन हुए करते थे, इस संप्रदाय से रिलेटेड है ये भी। संगीत की प्रधानता थी इसके अंदर, तो हमें केवल ज्यादा मोस्ट बात यही याद रखनी है कि चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और आगे अगर पूछा जाए तो एक बात ध्यान रखें कि सूफी मत का भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय कौन सा था, तो चिश्ती संप्रदाय है। ये दो बातें आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, सूफी मत के संप्रदाय के नाम और उनके प्रवर्तक, इनके नाम जरूर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूं, हिंदी साहित्य के इन क्लासेस के अंदर 29 क्लासेस इससे पहले हो चुकी है और ये 30वें नंबर की क्लास है, प्रेमाश्रय शाखा हमारी चल रही है, तो हम आगे की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। चलो देखो आगे बात करते हैं, अगला संप्रदाय आता है कौन सा, सुहरावर्दी संप्रदाय है प्यारे साथियों, कौन सा है बताओ, सुहरावर्दी संप्रदाय जो नाम है इसके प्रवर्तक का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसके प्रवर्तक का नाम क्या है बताओ, जलालुद्दीन सुर्खफोश या फिर बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, ध्यान रखना है जलालुद्दीन सुर्खफोश का नाम जरूर ध्यान रखना है। सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो जलालुद्दीन सुर्खफोश है, ठीक है। प्रवर्तन काल की बात करें, 13वीं सदी के पूर्वाद में माना जाता है, इंपोर्टेंट केवल आपको प्रवर्तक ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखना है, ठीक है ना। फिर आगे की तरफ बात करें, अगला संप्रदाय है कौन सा, अगला संप्रदाय है कादरी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है साथियों, अगला संप्रदाय है कादरी संप्रदाय है। इसके प्रवर्तन काल की बात करें, 15वीं सदी के उत्तरार्ध में माना जाता है, पर इनसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या बात रहती है, प्रवर्तक का नाम आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब्दुल कादी
अल जिलानी सूफी है ना, ध्यान रखना जिलानी सूफी सैयद, कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम याद रखना है जिलानी सूफी सैयद, ठीक है, अब्दुल कादी अल जिलानी सूफी सैयद, ठीक है, सबके प्रवर्तक के नाम हमें जरूर जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है, और इसके प्रमुख प्रचारक का नाम ध्यान रखना, ठीक है, कादरी संप्रदाय का प्रमुख प्रचारक का नाम ध्यान रखना है मोहम्मद गौस है ना, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बोल रहा हूं आपसे बार बार कि ध्यान रखना इस जगह, ठीक है, कादरी संप्रदाय के प्रमुख प्रचारक का नाम जरूर ध्यान रखें, क्या नाम है बताओ, मोहम्मद गौस नाम है। उसके बाद देखो संगीत की अधिक प्रधानता नहीं है इसके अंदर, ये विशेषताएं हैं, इससे पहले आपने देखा चिश्ती संप्रदाय में प्रधानता थी और इसके अंदर संगीत की प्रधानता नहीं है, तो आपको एक बात ज्यादा ध्यान रखनी है कि सभी संप्रदाय के सामने आपको प्रवर्तक जब लिख के आएंगे कि कौन सा संप्रदाय सही सुमेलित नहीं है तो उस जगह ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। सुहरावर्दी के कौन है बताओ, जलालुद्दीन सुर्खफोस है, कादरी के कौन है बताओ, कादी अल जिलानी सूफी सैयद है, और ध्यान रखना इस कादरी संप्रदाय के प्रमुख प्रचारक का नाम मोहम्मद गौस है, ठीक है, संगीत की अधिक प्रधानता नहीं है इस संप्रदाय के अंदर। फिर आगे बात करें, अगला संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय है बताओ, नक्शबंदी संप्रदाय है। अब इस नक्शबंदी संप्रदाय की हम बात करें तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है दोनों बातें, एक तो प्रचार और एक प्रवर्तक। प्रवर्तक की बात करते हैं, ख्वाजा बहाउद्दीन राबिया, ठीक है, सूफी महिला साधक हो गई थी, ठीक है ना, ध्यान रखना सूफी महिला साधक हो गई थी, इसकी प्रवर्तक ख्वाजा बहाउद्दीन राबिया, ठीक है। प्रचार की बात करें अहमद फारूकी, इसके प्रचारक कौन थे, अहमद फारूकी नक्शबंदी संप्रदाय के, ठीक है, ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद भी थे, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रवर्तक काल, इसका 16वीं शताब्दी माना जाता है, तो नक्शबंदी संप्रदाय के अंदर भी प्रवर्तक ही ध्यान रखें और ज्यादा बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सत्तारी संप्रदाय की बात करें, अब्दुल सत्तार इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है। चलो भाई अब देखो एक एक करके बताना, हम देखो सबसे पहले यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, सूफी जो प्रेमाश्री काव्य धारा है ना उसके हम संप्रदाय देख रहे हैं, और संप्रदाय के सामने हमने प्रवर्तक देखे हैं और कोई एकांत विशेषता इंपॉर्टेंट है तो वो हमने देखी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले प्रवर्तक के ही नाम ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से याद होने चाहिए क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूफी मत के और संप्रदाय का नाम भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन आ गया मान लो सिंपल सा कि निम्न में से सूफी मत का संप्रदाय नहीं है तो कैसे जवाब दोगे, इसलिए हमें संप्रदाय का नाम तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय लिख दिया जाएगा कि सुमेलित नहीं है तो ध्यान रखें, ठीक है। भारतीय सूफी मुख्यतः कौन से संप्रदाय थे, बेशरा संप्रदाय के हैं, बेशरा साधक क्या कहलाते हैं, मलामती कहलाते हैं। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ठीक है। और सबसे 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 क्या है ये प्यारे दोस्तों, इसके अंदर एक खास बात थी, वो क्या थी बताओ, देखो आगे की तरफ अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। उसके बाद बात करें सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जलालुद्दीन कपोस है, कादरी संप्रदाय के कौन है बताओ, अब्दुल कादी अल जिलानी सूफी सैयद है, और देखो कादरी संप्रदाय के प्रमुख प्रचारक कौन है, मोहम्मद गौस है, ठीक है। इन क्लासों को दो तरीके से ध्यान देके बनाया जा रहा है प्यारे साथियों, एक तो अभी पढ़ते वक्त भी आपको आनंद आए, समझ में भी आए और लिख भी सको, नोट्स भी आप बना सको, एक तो हो गया कैटेगरी ये। दूसरी कैटेगरी ये जब परीक्षा देने आए तब भी हम इनको रिवाइज करें, जिन स्पीड से चाहे उस स्पीड से हमें क्लास देखने को मिले, ठीक है ना, उसी तरीके से इनको तैयार किया जा रहा है क्योंकि रिवाइज में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है आपकी क्लास, ठीक है। फिर देखो प्रमुख प्रचारक की बात करें, मोहम्मद गौस है कादरी संप्रदाय का, संगीत की अधिक प्रधानता नहीं है कादरी संप्रदाय में, नक्शबंदी संप्रदाय की बात करें, इसके जो प्रचारक की बात करें अहमद फारूकी हैं, प्रवर्तक ख्वाजा बहाउद्दीन राबिया, और उसके बाद आगे चलो देख लेना सत्तारी संप्रदाय अब्दुल सत्तार हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपन, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट आया है ना, नेक्स्ट अगर वहां से सवाल नहीं बना तो इस जगह से सवाल बनने के चांस हैं, और ये थोड़ा आपको कठिन भी लग सकता है वाला पॉइंट, तो अच्छे से समझ ना, ठीक है ना, कठिन नहीं है कुछ भी, ठीक है। बस हमें क्या है, सूफी मत का दार्शनिक आधार सूफी साधन की अवस्था है। सूफी साधना की क्या है, अवस्थाएं बताई गई है, चार अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं प्यारे साथियों, चार अवस्थाएं बताई गई है, तो हमें ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह है ये भी, ठीक है। देखो
सूफी मत का दार्शनिक आधार या फिर सूफी साधना की अवस्थाएं, साधना की निम्न चार अवस्थाएं और चार मंजिलें मानी जाती है। ठीक है, मतलब सूफी साधना की चार प्रोसेस हैं, चार अवस्थाएं हैं, उन चारों अवस्थाओं के आपको नाम याद होने चाहिए। अवस्थाएं हैं एक तरह से, ये मंजिल बोलो या अवस्था, देखो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, ये हो गई आपकी चार चीजें, ये ध्यान रहनी चाहिए आपको। ठीक है, इनके दूसरे नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। शरीयत को नासूत के साथ सम्मिलित करना है, तरीकत को मलकुत के साथ, हकीकत को जबरुत के साथ, मारिफत को लाहूत के साथ। क्वेश्चन यही बनेगा इस जगह से, कौन सा? मान लो एक तरफ आपको मंजिलें अवस्थाओं के नाम लिख दिए जाएंगे, शरीयत का सही संबंध किससे? नासूत से। तरीकत का संबंध मलकुत से, हकीकत का संबंध जबरुत से, मारिफत का संबंध लाहूत से। ठीक है, मतलब सूफी साधक के लिए साधना की जो अवस्थाएं, चार अवस्थाएं हैं। मतलब शरीयत क्या है? देखो भाई, सबसे पहले हमें जो सवाल बनना था तो मैंने बोल दिया आपसे, ठीक है ना, इनके चार नाम और इनके चार नाम इनके सामने जो लिख रहे हैं ना, इनसे रिलेटेड है, इनको सही सम्मिलित करने के लिए कह सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, शरीयत में क्या है? देखो, धर्म ग्रंथों के विधि विशेषों निशेषों का सम्यक पालन करना, मतलब धर्म ग्रंथों में जो भी नियम कायदे जो लिखे होते हैं उनका पालन जो किया जाता है साधक के द्वारा, सबसे पहले वो शरीयत कहलाता है। क्या कहलाता है? शरीयत कहलाता है। और शरीयत को किसके साथ सम्मिलित करोगे? नासूत के साथ। ठीक है, ये साधना की सबसे निचली अवस्था मानी जाती है, ध्यान रखना, सबसे निचली अवस्था मानी जाती है। साधक जब साधना करता है ना, सूफी साधनाओं की अवस्थाओं के अंदर, तो सबसे पहले प्रोसेस रहता है शरीयत का, मतलब धर्म ग्रंथों के अंदर जो भी विधि विशेष जो भी बातें लिखी रहती है उनका पालन करता है। और शरीयत के सामने किसको सम्मिलित करोगे आप? नासूत। ठीक है, ये अवस्था है, ये साधना की सबसे निचली अवस्था है, सबसे पहले धर्म ग्रंथों में लिखी हुई जो विधि विधान है उनका पालन करेगा साधक। उसके बाद दूसरे प्रोसेस पे बात करेंगे, पहला प्रोसेस हो गया, दूसरे प्रोसेस पे अगर हम बात करें तो दूसरा प्रोसेस है तरीकत। सवाल आपका इतना ही आएगा कि शरीयत के सामने नासूत आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तरीकत के सामने आपको मलकुत याद होना चाहिए, हकीकत के सामने आपको जबरुत याद होना चाहिए और मारिफत के सामने आपको लाहूत याद होना चाहिए। देखो भाई, सुनिएगा अब आप, ठीक है, तरीकत क्या है? अब आगे बात करें हम, ये पहला प्रोसेस शरीकत हो गया, दूसरा तरीकत है। शुद्ध हृदय से इस स्मरण ध्यान करना, मतलब नाम जप करना, शुद्ध हृदय से मन में किसी भी साधक क्या करेगा? नाम जप करेगा ईश्वर का। ठीक है, तो देखो मलकुत, इसमें साधक भौतिक जगत से ऊपर उठकर पवित्र हो जाता है। इसके अंदर मलकुत वाली अवस्था के अंदर साधक क्या करता है? भौतिक जगत से ऊपर उठकर क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर वह क्या करता है? ईश्वर का नाम स्मरण करता है। ठीक है, शुद्ध हृदय से इसका स्मरण करना, ध्यान करना, यह होता है तरीकत। ठीक है, तो तरीकत को किससे सम्मिलित करोगे आप? मलकुत से। सवाल में आपको बता देता हूं, देखो साफ साफ कि सवाल क्या बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, शरीयत को किसके साथ? नासूत के साथ। तरीकत को मलकुत के साथ। हकीकत को जबरुत के साथ। मारिफत को लाहूत के साथ। ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, किसी को ये प्रोसेस समझ में ना भी आए तो ये बात ही आप ध्यान रखें, यही एग्जाम के लिए, एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो भी इन्हीं जगह से सवाल बनेगा, मतलब बनाया जाएगा, और आपके लिए भी यही सबसे ज्यादा काम की बात है। ठीक है, देखो शरीयत की बात करें, सबसे पहले धर्म ग्रंथों में क्या किया जाएगा? जो भी नियम है, निषेध है, उनका पालन किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसको नासूत, ये साधना की सबसे निचली अवस्था मानी जाती है। दूसरा है तरीकत। ठीक है, तरीकत के सामने क्या लिखना है? मलकुत। ठीक है, इसमें साधक भौतिक जगत से उठकर ऊपर पवित्र हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर नाम स्मरण करता है शुद्ध हृदय के साथ। ठीक है, हकीकत की बात करें, भक्ति उपासना से सत्य बोध। ठीक है, उसके बाद में देखो जबरुत है ना, यही परम सत्य है, मतलब साधक को क्या होता है? भक्ति प्राप्त हो जाती है एक तरह से, यही क्या है? परम सत्य है। इसमें साधक लाहूत, सॉरी ये काट रहा हूं मैं,
ये बात ध्यान रखना आपको, हकीकत से जबरूत का संबंध है, इसमें परम सत्य है। यही क्या है? परम सत्य है। उसके बाद चौथे प्रोसेज के अंदर आता है मारिफत। मारिफत में आता है लाहूत, ठीक है। इसमें ध्यान रखें, सिद्धावस्था आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, मतलब आपने जो कार्य किया ईश्वर को प्राप्त करने का वो सिद्ध हो गया, मतलब सिद्धावस्था की आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। लाहूत में आपको ध्यान रखना है, इस अवस्था के मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाती है, ये ध्यान रखना है। सीधी सीधी बात ये तो मैंने समझाई आपको जो बातें बोली है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बातें क्या है, इन मंजिल के नाम आपको याद होने चाहिए, इनके सामने इनकी जो अवस्था है याद होनी चाहिए। सूफी काव्य धारा के अंदर साधक के द्वारा जो साधना की जाती है इस पर को प्राप्त करने के लिए यहां पे चार अवस्थाएं बताई गई है, चार मंजिल के सामने चार अवस्थाएं हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, बस यही सारा प्रोसेस है आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहली निचली अवस्था है शरीयत, ठीक है। इसके अंदर धर्म ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति साधक क्या करता है, सब पालन करता है चीजों का, सबसे निचली अवस्था है। फिर आता है तरीकत पर, मतलब मलफूत। इसमें साधक भौतिक जगत से उठकर पवित्र हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर शुद्ध हृदय से ईश्वर का नाम स्मरण करता है। हकीकत की बात करें तो इसमें परम सत्य का बोध होता है। मारिफत की बात करें तो सिद्धावस्था आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, शरीयत को किससे सुमेलित करोगे आप बताओ, नासूस से करोगे। तो ध्यान रखें आप, शना ध्यान रखें, शना मतलब शरीयत के सामने कौन सी अवस्था मानोगे, नासूत, ठीक है। शरीयत के सामने नासूत, सना, ठीक है। सनातम क्या रखोगे, सनातम, ठीक है। त का मतलब तरीकत और म का मतलब मलकूत, ठीक है। शना में शरीयत, नासूत, शरीयत को किससे मिलाओगे, नासूत से, मतलब आगे जो आ रही है बात लिख कर वो आ रही मंजिल का नाम, पीछे जो लिख के आ रहा है ये आ रही अवस्था का नाम जिसे आपको मिलाना है। त का मतलब तरीकत, म का मतलब मलकूत, ठीक है। फिर आएगा हज, ठीक है। ह का मतलब क्या बताओगे, हकीकत, और ज का मतलब जबरूद। फिर आएगा माला, क्या आएगा, माला। मा का मतलब मारिफत, ला का मतलब लाहूत। तो ध्यान रखना है सनातम हज माला, क्या याद रखोगे, सनातम हज माला, सनातम हज माला, सनातम हज माला, सनातम हज माला। श का मतलब शरीयत, ना का मतलब नासूत, त का मतलब तरीकत, म का मतलब मलकूत, ह का मतलब हकीकत, ज का मतलब जबरूत, मा का मतलब मारिफत, ला का मतलब लाहूत। एक बार फिर बोल रहा हूं, ठीक है। सनातम हज माला, श का मतलब शरीयत, ना का मतलब नासूत, त का मतलब तरीकत, म का मतलब मलकूत, ठीक है। हक का मतलब हकीकत, ज का मतलब जबरूत, म का मतलब मारिफत, ला का मतलब लाहूत। शनातम हज माला, शनातम हज माला, शनातम हज माला, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। सारी बात आपको समझ में आएगी, और ये बात ध्यान रखना है साधना की सबसे निचली अवस्था कौन सी है, तो नासूत, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो भाई, आपने सारी अवस्थाओं को समझा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। जायसी ने इन चार मंजिलों का उल्लेख पद्मावत में किया है, इन चार मंजिलों का उल्लेख जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में भी किया है। मलिक मोहम्मद जायसी, जब आप पढ़ोगे तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, सारी रचनाएं हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। जितना आपने सोचा नहीं होगा कि यूट्यूब पे भी इतना पढ़ सकते हैं क्या, उससे ही ज्यादा पढ़ोगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हो तो सिर्फ तो आप समझ गए होंगे कि किस लेवल की आपकी क्लास है ये, ठीक है। जायसे ने इन चार मंजिलों का उल्लेख पद्मावत में किया है। चार बसेरों से चंदे सत से उतरे पार, इन चार अवस्थाओं से चढ़ के आदमी सत से उतरता है पार, मतलब पार पड़ जाती है, इसकी पार हो जाती है एक तरह से, जब इस चार अवस्थाओं को पार करता है, ठीक है। जायसे ने इन चार मंजिलों का उल्लेख पद्मावत में किया है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना मानी जाती है पद्मावत, ध्यान रखना, जो 1540 के समय की है, शेरशाह सूरी के समय रचना की गई थी इसकी, ठीक है। अब देखो आगे बात करें हम, साधना की अंतिम मंजिल पर पहुंचने पर साधक की रूह को क्या बोला गया है, आत्मा, ठीक, मतलब आत्मा को क्या बोला गया है यहां पे, रूह बोला गया है, ठीक है ना। मतलब रूह का मतलब यहां क्या है, एक तरह से आत्मा है। साधना की जो अंतिम मंजिल पर पहुंचने पर साधक की रूह बंधन
ग्रस्तता से फना हो जाती है। मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ सूफी काव्य की लैंग्वेज में अगर हम बात करें साथियों, तो इस तरह से करेंगे, साधना की अंतिम मंजिल पर पहुंचने पर साधक की रूह बंधन ग्रस्त से फना हो जाती है। जब हम ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात। कहने का मतलब यूं है, रूह मतलब आत्मा से बंधन ग्रस्त, फना मतलब मुक्त हो जाती है। मतलब क्या होती है, आत्मा मुक्त हो जाती को क्या बोल रहे हैं अपन, रूह से फना हो जाती है। साधना की अंतिम मंजिल पर पहुंचने पर साधक की रूह बंधन ग्रस्तता से क्या हो जाती है बताओ, फना हो जाती है, मतलब मुक्त हो जाती है। फिर आगे बात करें, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा गया है, इस चीज का ध्यान रखें, तसव्वुफ शब्द का प्रयोग है यहां पे, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा गया है। और यह लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इश्क मजाजी मतलब लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम तक की सूफी कवियों की प्रेम पद्धति से मैं मनुष्य को चार विभागों की चर्चा है। ठीक है ना, सुनो दोबारा इस बात को, देखो जायसी ने जो चार अवस्था बताई मैंने अभी आपको, जायसी ने इन चार मंजिलों का उल्लेख पद्मावत में किया है। किसमें किया है साथियों बोलो, पद्मावत में किया है। उन्होंने बोला है कि चार बसेरों से जो चढ़े सत से उतरे पार, ये तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, साधना की जो अंतिम मंजिल है ना, साधना की अंतिम मंजिल पर पहुंचने पर साधक की जो रूह है मतलब आत्मा है वो बंधन ग्रस्तता से फना हो जाती है, मतलब मुक्त हो जाती है जब चौथी अवस्था पर पहुंच जाता है तो। ठीक है, सूफी को तसव्वुफ कहा गया है। और अगली जो विशेषता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इश्क मजाजी मतलब लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम तक की सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में मनुष्य के चार विभागों की चर्चा है। कितने विभागों की, चार विभागों की, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक प्रेम की सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में चार विभागों की चर्चा की जाती है। और चार विभागों के नाम आपको ध्यान रखना है, 1, 2, 3, 4। पहले विभाग की अगर हम बात करें तो पहला जो विभाग है ना वह है क्या, नफ्स। नफ्स मतलब भोगवर्ती इंद्रियों के बारे में। दूसरा है रूह मतलब आत्मा या चित्त। तीसरा है कल्ब, कल्ब मिस हृदय। और चौथा है अकल, अकल मिस बुद्धि। ठीक है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक प्रेम की सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में मनुष्य के चार विभागों की चर्चा है। उन चार विभागों के आपको नाम याद रखने हैं, एक है नफ्स, रूह, कल्ब, अकल। ध्यान रखना, नफ्स, रूह, कल्ब, अकल। नफ्स का मतलब भोगवृत्ति इंद्रियां, रूह का मतलब आत्मा या चित, कल्ब का मतलब हृदय, अकल का मतलब बुद्धि। ठीक है, ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखें प्यारे साथियों। फिर आगे जब क्वेश्चन बन सकता है आपको, साधना के सोपान कितने हैं, ये ध्यान रखना। वो साधना की अवस्था थी साथियों, ठीक है ना, अवस्था पूछेगा तो चार बताना। साधना के सोपान पूछे अगर आपसे, क्या पूछे, सोपान, तो सात बताओगे, क्या बताओगे, सात बताना है। और सात में से सबसे सर्वोपरि जो है ना वो प्रेम है। कौन सा है बताओ, प्रेम है। साधना के जो सोपान है वो कितने हैं बताओ, सात हैं। और उन सात के नाम तो आपको ध्यान ही रखने हैं, क्वेश्चन आ जाए कौन सा सोपान नहीं है, है वगैरह इस तरह से। तो साधना का प्रमुख सर्वोपरि सोपान कौन सा है, तो प्रेम है। यह बात आप ध्यान रखें, सात सोपानों के नाम आप ध्यान रखें। पहला सोपान है साथियों, यहां पे हम बात करें एक एक करके, एक है अनुताप, क्या है बताओ, अनुताप है। एक है आत्मसंशय, एक है वैराग्य, एक है दरिद्रता, धैर्य, विश्वास, संतोष तथा प्रेम। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सर्वोपरि क्या है बताओ, प्रेम है। सात सोपानों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से सोपान है बताओ, बोलो मेरे साथ। ठीक है, अनुताप एक तो कौन सा है बताओ, अनुताप। दूसरा आत्मसंशय, तीसरा वैराग्य, दरिद्रता, धैर्य, विश्वास, संतोष तथा प्रेम, ये सोपान है साधना के साथ। अवस्था पूछे चार बतानी है, सोपान पूछे सात बताने हैं, सातों के नाम आपके सामने हैं। तो ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य की क्लास आपके लिए, सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह हो। ठीक है,
फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका हिंदी साहित्य वाला पोर्शन पढ़ रहे हो आप, तो बहुत आप बिल्कुल सही जगह पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे मतलब बिल्कुल कंटेंट आपको जितना कम समय में मिल रहा है ना, और आपको बहुत बेहतरीन मिल रहा है। ये विश्वास नहीं है तो आप खुद मेहनत करोगे, आपको पता लग जाएगा कितनी मुश्किल से आप इतनी डीपली तक पहुंच पाओगे बहुत मेहनत करते हुए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इसके पहले कि शुरू से लेके क्लास अंतिम तक जरूर देखना। जब हमारी चीजें हो जाएगी तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत कुछ चीजें करेंगे, पर पहले लगातार क्लास लेते रहिए, क्लास को शेयर भी करिए, औरों को भी बताइए, क्लास और दूर तक पहुंचाइए। ठीक है, आप तक मत रखिए, इस क्लास को और तक भी पहुंचाइए साथियों। ठीक है ना, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।